आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अब अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार रात 3:30 बजे 3 जगहों का निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि ये शातिर धारदार हथियार के साथ इन घरों में इस घटना को अंजाम देने पहुंच गए। मौजूदा पार्षद वीना रतूड़ी ने बताया कि गोरखपुर में अगाड़ा कॉलोनी में वीना वर्मा के घर में 3 चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी, जो कि गले में जो चैन पहनी है वो 2 वर्ला गले को अलग कर दूंगा। साथ ही उनके परिवार को बंधक बना लिया व सामान सारा चोरी करके ले गए, जिसमें सोने की चैन थी, कुछ नकदी था, 2 पर्स थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद इन चोरों ने राम सुंदरम प्रेमवती के घर में चोरी को अंजाम दिया और वहां से भी काफी कुछ चोरी करके ले गए। उसके बाद यह शातिर चोर जगदीश के घर में घुसने की कोशिश करे, उसके घर पर ताला ही तोड़ पाए, परंतु हल्ला सुनते ही वहां से फरार हो गए। नमस्कार, मैं पार्षद वीना रतूड़ी, वार्ड नंबर 93। और कल रात को 3:30 बजे मेरे वार्ड में बहुत बड़ी एक वारदात हुई है, जिसमें कुछ 3 लड़के यहाँ पे धारदार हथियार लेकर आए थे और उन्होंने दरवाजे की जाली काट कर वहाँ अंदर घुसे। घर में सो रहे 3 व्यक्तियों को उन्होंने बंधक बनाया। उनके घर की कुछ नकदी, उनके जेवर और उनके दस्तावेज वो लेकर गए हैं और उनको वार्निंग भी देकर गए हैं कि अगर आपने कहीं फ़ोन किया हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, ऐसे भी इनको वार्निंग दे के गए हैं। उसके बाद वो इसी क्षेत्र में 2 घर में और घुसे हैं। एक जगह के से उन्होंने बक्सा उठाया, जो जगदीश जी के घर में गए हैं उनका उन्होंने ताला तोड़ा है और दूसरे घर में उन्होंने बक्सा उठाकर उनका भी सामान लेकर चले गए। और क्षेत्र में ऐसी घटनाओं के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो जिस प्रकार से नए घर बन रहे हैं और जो जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, कबाड़ी वाले आए दिन नए नए प्रकार के मेरे क्षेत्र में रहते हैं। हमने कई बार पुलिस प्रशासन को इस बार के बारे में अवगत भी करा दिया है कि जो ये कबाड़ी वाले होते हैं इनका सत्यापन होना चाहिए, या फिर जितने भी बाहर के लोग इस यहाँ पे आ रहे हैं, यूपी के लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका सत्यापन होना चाहिए। तो मैं ये निवेदन करती हूँ कि इनका सत्यापन होना चाहिए पक्का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।